खामोश बैठे रही और मैंने सुन के आया है अपने कानों से कि जिस कब्रिस्तान के अंदर अहले मक्का के शरफा को दफन किया जाता है वहां से तेरा बर्खास्त कर दिया गया है, वहां तुझे अब दफन नहीं किया जा सकता। ये वो लोगों ने पास कर लिया। ऐसी बातें करते रही पसीना पसीना हो गई ये सुनकर। कौन? हजरत फतेह जतन कुबरा। इसी असना में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, कहा कि खुते जा कैसी तबीयत है। हजरत फतेह जतन कुबरा ने कहा कि अल्लाह का फजल है और आपकी दुआएं हैं, अब तबीयत बहाल है, बुखार नहीं रहा, तबीयत ठीक है। हुजूर हटकर सराहने बैठना चाहे, कुछ सामान था हटाए, हटाकर उन्हीं के सराहने फतेह जतन कुबरा के बैठना चाहे तो हजरत फतेह जतन कुबरा ने कहा कि या रसूलल्लाह तबीयत ठीक है, आप बैठने की तकलीफ गवारा मत कीजिए, आप मत बैठिए, आप जितना वक्त मेरे पास बैठकर सर्व कर रहे हैं खुदा की खत्म, अगर बनी रहे इंसानी की तरह तबलीग करेंगे तो जो लोग दोजख पे जा रहे हैं वो दोजख से जन्नत पे आ जाएंगे। आप उधर जाइए और अपने तबलीगी काम को जारी रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा कि खुते जा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, ये कहते हुए बाहर निकल गए। बाहर उनका निकलना था वो अनीसा जो अभी अभी इतने तीर नश्तर अपने चला बैठी थी, उसका कलेजा छिन्नी कर चुकी थी। उसने कहा कि खुतेजा इस्लाम लाने के वास्ते क्या करना पड़ता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम लाने के लिए क्या करना पड़ता है। हजरत खुतेजतुल कुबरा ने कहा कि इतना तीर चलाने के बाद भी तू अभी थकी नहीं, फिर मुझसे मजाक करना चाहती हो, कितना कुछ तुमने कहा, मैं खामोश रही। अब इंतहाई घटिया और निचला मजाक करना चाहती है। खुदा की इज्जत की कसम मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत अर्ज कर रही हूँ कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या अमल करना पड़ता है। हज़रत फतेह जतन कुबरा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुलाजमीन के जरिए तलब फरमाया और कहा कि ये बोल, आखिर इस कदर जल्द तेरा जहन मुंतशिर कैसा हुआ, तेरे जहन में इस्लाम कैसा आ गया, इतनी मजम्मत आमेज गुफ्तगु मेरे करने के बाद फिर तेरे दिल में इस्लाम के ताल्लुक से जो जज्बा पैदा हुआ वो किस कमर में मिन्नत है। अनीसा ने कहा जब आपकी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगु मैंने सुनी तो मेरा दिल पानी की तरह पिघल गया, माए की तरह हिल गया, सख्ती जरीबी नहीं रही, हकीकत हाल मेरे दिल पर आया हो गई। जिस दीन के मानने वालों में इतनी इस्तेकामत फिर दीन रहती है, जिस दीन में इतनी इस्तेकामत हो, इतना सब्र हो, तो वो दिन इतना बुलंद दिन होगा। ये रात मेरे दिल में उतर गई और कहा कि ये दिन सच्चा दिन है, इसलिए इस दिन में आने के लिए मैंने तुझसे सलाह ली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि अनीसा इस्लाम कबूल करना चाहती है। हुजूर ने उसको कलमा शहादत पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल फरमाया। बिरादराने मोहतरम, हम उस नबी के मानने वाले, हम उस नबी से प्यार करने वाले हैं,
ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس نبی کے نام لینے سے ہزاروں بلائیں کٹ جاتی ہیں. ہم اس نبی کو پکارنے والے ہیں جس کی پکار سے فرشتے لرزتے رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں. وہ یثرب جس یثرب میں بلاؤں کا ٹھکانا تھا, حضور جب تشریف لے گئے مدینے کو کہ مدینے میں جب حضور کا قدم مبارک پڑا تو دیکھنے والے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, روح کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, بلائیں وبائیں اپنے بستر کو باندھے ہوئے, در در ٹکڑی در ٹکڑی یثرب سے نکل کر کوچ کر رہی تھی, مدینہ پاک ہو رہا تھا صرف قدم مبارک سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.